थे, माँ से मुझे फोन पे धमकियां लगाते थे, तुम्हें गोली मार देंगे, तुम्हारे बाल काट देंगे, तुम्हारे ऊपर तेजाब फेंक देंगे, ऐसे ऐसे मुझे धमकियां लगाते थे। 7/41 का गाँव है उधर शिदरे के पास, उधर मेला लगा हुआ था, मैं मेले पे गई थी, उधर से मैं वापस आ रही थी। इधर मुस्लिम टाउन मोरबे में पहुंचे, ऊपर 10-12 वो लड़के थे, दो उनके पास बाइक थी, एक ऑटो रिक्शा। ये 15-20 लड़कों का गैंग है, वो हर ख्वाजा सरा को तंग करते हैं, उनसे बता लेते हैं, उनको मारते हैं, उनके साथ ज्यादती करते हैं। उस दिन मैं भी आ रही थी, अकेली थी, मेरे साथ एक और मेरी फ्रेंड थी। हम लोगों को उन्होंने उधर रोक लिया जबरदस्ती, कि उनके पास 2 पिस्टल थे, उन्होंने पिस्टल निकाले, मुझे उधर से मारा और जबरदस्ती अपने ऑटो में बिठा के उधर खाटक नाले पे ले गए। एक का दो के नाम मैं जानती हूँ, दूसरों के नाम नहीं जानती। वो भी आपस में वो एक दूसरे का नाम ले रहे थे, इसलिए एक का नाम मैर गुज्जर था और एक का नाम बट बट बोल रहे थे। बोले उधर खाटक नाले पे मुझे ले गए, उधर जाके मुझे मारा भी है, मेरे पीछे भी सिगरेट लगाए, मेरे बाजू पे भी, मेरे इधर आगे भी सिगरेट लगाए, मुझे बहुत जबरदस्ती मेरे साथ की है। एक उमैर नाम का लड़का, उसने मेरे साथ ज्यादती की है, मेरे साथ फोन करके बाद में धमकियां भी दे रहा था। वो अभी पकड़े गए हैं ना, पकड़ने से 1-2 दिन पहले मुझे धमकियां दे रहा, तुम मेरा क्या कर लोगे, अभी तो मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया, मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक करूंगा। जी बता, मांगते थे हम, मुझे कहते थे हमें मिलो, हम तुमसे मिलना चाहते हैं, तुम्हारे घर आना चाहते हैं, तुमसे ये करना है वो करना है। ये मेरे साथ ही नहीं, हर ख्वाजा सरा के साथ, जिसको भी देखते हैं उसके पास, उसके घर चले जाते हैं, उनके साथ ज्यादती करते हैं, उनको मारते हैं, उनसे पैसे छीनते हैं, जो कुछ भी हो इनसे वो करते हैं ख्वाजा सरा के साथ। वो 15-20 लड़कों का ग्रुप है, इकट्ठी थे। फोन पे वो मैर नाम का लड़का मुझे अकेला धमकियां देता था। जब इन्होंने मुझे उधर रोका, ये 10-12 लड़के थे, इकट्ठा ग्रुप था। मैंने ऐसा नहीं किया, जब इन्होंने मेरे साथ ज्यादती की मैंने तब ऐसा किया। ये पहले ख्वाजा सराओं के साथ करते हैं ना, उन्होंने कुछ नहीं किया इनके खिलाफ, इसलिए ये सबके साथ ऐसा ही करने लग गए। उन्होंने सोचा कि सब ऐसे ही होंगे। 3 बजे का वक्त था, उधर कोई भी नहीं था रोड पे, ये वाहदत रोड पे। मैंने इधर फिरोजपुर रोड पे आना था, इनसे डरती डरती मैं उधर वाहदत रोड पे चली गई, मुस्लिम टाउन वाली से। इन्होंने मुझे मेले पे पिस्टल दिखाया था, उधर से मेरे पीछे लगे थे मेले से, कोई नहीं आया उधर, कोई भी नहीं, कोई है ही नहीं था उधर, एक सुनसान जगह थी जिधर इन्होंने मुझे रोक लिया था। वो ये 10-12 लड़के थे, 2 लड़कों के पास, एक बट के पास और उमैर के पास पिस्टल था, उसने मेरे इधर पिस्टल रखा और बोलने लगे अगर तुम नहीं जाओगे तो तुम्हें गोली मार देंगे। वो उधर मोहल्ला था, वो डेरा था ना, मोहल्ला था, वो सुबह की अजान हो रही थी, तो मैंने शोर मचाया, वो साथ वाले वो लड़ रहते थे, वो छड़े वगैरह उनके पास रहते थे, वो आए, उन्होंने दरवाजा खड़का, उनको वो बोलने लगे नहीं नहीं कोई बात नहीं, हमारा आपस का मतलब कोई बात नहीं है। इसलिए मैंने, मेरी जूती भी उधर रह गई, मैंने अपने फ्रेंड को बोला चलो चले भागो, वो मेरे साथ भागी और हम लोग भाग के उधर सदरजा थाना था उधर पास पहुँच गए। उधर जाके मैंने रिपोर्ट लिखाई है, तो फिर मैंने अपने गुरु को कॉल किया, गुरु आ गए, तकरीबन उन्होंने मुझे 2 घंटे उधर रखा उस रोड पे। वो मेरे साथ वाली फ्रेंड को भी मारा उन्होंने, ये सारे लड़कों ने बुरे बुरे अल्फाज बोले और मुझे मारा भी, ज्यादती भी एक लड़के ने की, उमैर नाम के ने, वो अंदर लेके गया मुझे कमरे में और मेरी ज्यादती की, मेरे साथ में सिगरेट लगाए मेरे जिस्म पे, ये कमर पे भी, आगे भी, और बोला जाओ जो तुम जो कुछ होता तुम कर लो। अभी मुझे मेरे पास फोन पे रिकॉर्डिंग मौजूद है, मैंने SHO साहब को भी वो सुनाई थी, वो बोलता था ये तुम्हारे साथ तो मैंने भी कुछ भी नहीं किया, ये मेरे देखने में तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं हुआ। पुलिस वाले मेरी बात नहीं सुन रहे थे, मैं इतना रोई उधर जाके, मैंने इतनी उनकी मिन्नतें की, नहीं आप ख्वाजा सरा आपकी कौन सुनता है, ये तो ऐसी बात, आप जाओ इधर, कुछ नहीं आपका नहीं कुछ हो सकता, ये आप अपनी मर्जी से आए हो इधर। मैंने उनको बोला मैं उधर के रहने वाली हूँ, मैं इधर अपनी मर्जी से क्यों आऊँगी इस टाइम, अगर मेरे साथ ज्यादती नहीं हुई तो मुझे क्या जरूरत है इन पुलिस थाने में आने की। फिर मैंने उनको इतनी दुआएं दी, मैंने इतनी बहुत उनकी मिन्नतें की, मैंने अपना दुपट्टा उतार के उस पुलिस वाले के कदमों में फेंक दिया, आपकी बड़ी मेहरबानी, एक दफा मेरी बात सुनो। फिर उन्होंने मेरी बात सुनी जाके।